तो गाइज वेलकम बैक टू अपने चैनल पुनेरी निखिल। तो अभी अपन दो दिन के लिए ट्रिप के थोड़ा रिलैक्स होने के लिए निकले टूवर्ड्स लोनावाला। कुछ मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं गुजरात से, तो उनके साथ कुछ दो दिन रिलैक्स करेंगे, मस्त एंजॉय करेंगे, क्योंकि ट्रैक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस नेचर के साथ रिजॉर्ट के साथ एंजॉय करेंगे। तो अपनी धनो एक्चुअली वीडियो में शुरू करने वाला था वहाँ से, क्लब महिंद्रा से स्टार्ट करने वाला, लेकिन मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। ये जो नेचर देख के जो वीडियो स्टार्ट करने का मेरा एक जुनून होता है ना, वही मुझे बीच में लेके आया और मैं रुक के गाड़ी वीडियो शुरू ही कर दिया। और ऐसा कुछ पुल अभी नए नए बन रहे कंस्ट्रक्शन, जो रोड बहुत ही बढ़िया रोड है। रोड बढ़िया यानी कि थोड़ा सा आपको एडवेंचर मिलेगा, इस काइंड ऑफ एडवेंचर मिलेगा, लेकिन आपको मज़ा ज़रूर आएगा इस रोड में ड्राइव करते हुए। मैं पुणे से आ रहा हूँ लोनावाला की तरफ, लेकिन मैं जो रोड लिया हूँ पिरंगूट साइड से, तो जो ऑफबीट रोड है बहुत पवना के लिए भी जाता है और इधर लोनावाला की तरफ भी जाता है। जो तुंग फोर्ट है, मे बी आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो देखिए, तुंग फोर्ट का जो रोड है वही रोड है। और ये देखिए यहाँ पे एंजॉय कर रही है, शी इज एंजॉयिंग द नेचर। अभी सो के उठी है, थोड़ा सा नींद लिया उसने और बस अभी मज़ा आ रहा है। अभी देखते हैं फैमिली गेट टुगेदर का क्या मज़ा आता क्या नहीं, आप देखिए वीडियो में। और फाइनली हम जहाँ पहुँचना चाहते थे वहाँ तक पहुँच चुके हैं। और अभी यहाँ पे ऑलरेडी अपना फ्रेंड ने चेक इन कर लिया है, तो अभी अपन है अभी लोनावाला तुंगी क्लब महिंद्रा में। अभी देखते हैं और आगे अभी बताता हूँ आपको। तो आपको पहले आना पड़ेगा रिसेप्शन, यहाँ पे आपको पैकेज लेके जाना पड़ेगा आगे। जैसे ही आप आओगे अंदर तो यहाँ पे आपको यकीन ऑलरेडी जो अतुल जो मेरा फ्रेंड आया था उसने ऑलरेडी चेकआउट करके रखा था। कार वहाँ तक तो नहीं जाती लेकिन इस बग्गी में जाता है, अभी इसमें सामान लोड किया है और अभी ये दोनों बैठ चुके हैं बग्गी में। हम निकलेंगे इनको फॉलो करते हुए रूम की तरफ। तो अभी हम भी बैठ चुके हैं, अरे बाप रे सामान ही सामान है यहाँ पे, ठीक है पीछे बैठ जाओ। तो हम भी बैठ चुके हैं अभी बग्गी में, तो अभी बग्गी से सवार होके हम जाएंगे हमारे रूम की तरफ। ऑलमोस्ट कुछ वॉकिंग डिस्टेंस 5-7 मिनट का है, तभी हमको लेके जाएंगे इस बग्गी में टूवर्ड्स रूम। लेने में जो दोस्त लोग मेरे लेने खड़े हुए यहाँ पे मेरी लेने, हाय मुझे लेने तो ये अतुल है जो मुझसे मिलने आया है, कहाँ से, सूरत से, प्रभात सर, आफ्टर लॉन्ग टाइम है ना। हाय लाइव चल रहा है क्या? हाँ अभी रिकॉर्डिंग कर रहा ना मैं, बता रहे मैं ब्लॉगर हूँ, यूट्यूबर हूँ, ब्लॉगर। तो अभी कैमरा साइड में रखता हूँ, पहले लगेज। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी सेकेंड डे है, कल ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, द रीज़न यही था कि रीज़न अभी क्या बताऊँ, सब लोग थे एक्साइटेड थे, सब बहुत दो दिनों बाद मिले, तो वेज इंजॉइंग द डे। और बहुत ही ऐसा एक्चुअली मुझे अभी रूम ग्राउंड फ्लोर मतलब बहुत फुल है पूरा रिसोर्ट चला ही नहीं, चेंजेस भी नहीं हो पा रहे उसके कुछ, तो ग्राउंड फ्लोर में मिलना तो ये कुछ ऐसा जिससे इसे मैं बाहर निकलता हूँ काइंड ऑफ इस गैलरी से। तो आपको ये भी मिलता है, ये स्टूडियो अपार्टमेंट है, इसलिए यहाँ पे हॉल और अंदर रूम और रूम सब यहाँ से रूम है इस साइड से, और रूम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है नॉर्मल, लेकिन लोकेशन बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अमेजिंग जगह पे लोकेटेड है, मस्त एकदम। और ये जो वाइब्स है ना यहाँ पे, एक रिलैक्सेशन वाइब्स है, वही है बस, रिलैक्स अच्छा लग रहा है, मस्त मस्त ही नींद हुई। कल तो मैं 10:30 बजे सो भी गया था, मस्त एकदम, कोई ब्लॉगिंग का टेंशन नहीं कुछ नहीं। अभी
फतेह को कॉल करता हूँ, थोड़ा सा एक राउंड मार के आते, देखते थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। गाइज अभी हम रेडी हो चुके हैं दोनों, और अभी बाकी लोग सब लोग आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा सा मौसम है, बहुत ही सुहाना। अभी इनको थोड़ा लोनावाला घूमना है, अभी यू नो दैट कि हम रेगुलर ट्रैवल करते हैं लोनावाला, तो आज से जितने पॉइंट है जो टूरिस्ट आते हैं तो इन्जॉय कर सकते हैं। तो अभी इनके साथ मैं थोड़ा सा बोर होऊंगा शायद, या फिर देखते जो आपको अच्छा दिखता है वो दिखाता हूँ। और जस्ट वी आर वेटिंग, रिडीम का रूम है ऊपर के साइड में, तो वहाँ। और अगर आप देखोगे तो अपना जो तुंग फोर्ट था, हम जब हम ट्रिक के लिए आए थे, तो वो आपको दिखेगा यहाँ से। मैं आपको उसका बता दो, बस जस्ट उसके बैक साइड में ही क्लब महिंद्रा का पूरा रिसोर्ट लोकेटेड है। तो मैं आपको जस्ट टर्न अराउंड कर रहा हूँ, और ये देखिए ये जो है ये पूरा तुंगा का फोर्ट है। मस्त ऐसा यहाँ पे ब्रेकफास्ट दबा के सब लोग अभी जा रहे फोटो शूट करने के लिए ना, फोटो शूट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में क्या था वो तो नहीं दिखाया मैंने, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं कहाँ, कौन से पॉइंट पे, फोटो शूट पॉइंट पे। ये तो वॉशरूम की तरफ जा रहे हैं अपन। चलो, तो यहाँ पे अभी मेरे कैमरा असली है कि नकली है ये बात चल रही है, क्योंकि मैं फ़ोटो बिल्कुल नहीं निकालता हूँ, मैं बस वीडियो शूट करता हूँ। और बहुत ही अच्छा ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पे हम आए हैं अभी फ़ोटो क्लिक करने के लिए। बताओ अभी क्या मस्त ऐसा एटमॉस्फेयर है। और ये पवना डैम जो आगे देख रहे हो, खुद को देख लेना। ये लाइट है परफेक्ट, पता है अपन अपोजिट डायरेक्शन में निकाल रहे, कोई फोटो नहीं अच्छे आने वाले। अरे देख लो, ये भी हम वेट कर रहे हैं हमारे कैब का, कैब आने में भी ऑलमोस्ट कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा तुम्हें। अभी हम बज के 12 ना, अभी अपने को साइटसीइंग के लिए व्हीकल का वेट, 12 बज रहे हैं अभी तक कैब नहीं आई है साइटसीइंग का, पता नहीं कब जाएंगे कब निकलेंगे। अभी ये बच्चे सब मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे, मस्ती कर रहे हैं, मस्ती है ना तुम्हारी, क्या तुम दिख रहे हो कैमरा में एकदम मस्त, बड़े क्या बड़े टीवी पे देखना बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है, रिसेप्शन पे अभी वेट कर रहे हैं, यहाँ पे सब लोग फ्रेश हो रहे हैं, प्लान बन रहा है। और कहाँ जाएंगे, टाइगर पॉइंट लायन पॉइंट, कहाँ जाएंगे, टाइगर पॉइंट और लायन पॉइंट, टाइगर पॉइंट और लायन पॉइंट, और कंडला भी जाएंगे। चल चल आगे जाके देख लो, चलो चलो। तो अभी जस्ट वी रीच टू, अभी यहाँ पे एक्चुअली 4,500 रुपये खर्चा करेंगे हमने आर्टिका हायर की है, जो अपने को बताएगी टाइगर पॉइंट, मुशी डैम अभी आ चुके हैं, देखते हैं अभी ऊपर तक जाके कहाँ तक पहुँचते हैं। एक्सी बस अभी पॉइंट बोल के क्या बता रहे हैं, लोनावाला लेक, मुशी डैम, टाइगर पॉइंट, नारायणी धाम, और खंडाला का जो घाट है वो, और एक वैक्स म्यूजियम। हमें हम जस्ट पहुँच ही रहे वहाँ पे, देखते हैं कितना टाइम लगता है, अच्छी खासी भीड़ है आदमी। ये है अपना बुशराम, और थोड़ा सा अवॉइड करते हैं यहाँ पे आने में, फ्राइडे में भी देखिए कितना भीड़ है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, फैमिली बच्चों को लेकर मस्ती आई है, और बस बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, बस निकलने का मन कर रहा है, भीड़ में कौन रुकेगा यहाँ पे। तो गाइज अभी हम पूरा टाइगर पॉइंट होते हुए सब होते हुए हम पहुंच चुके हैं वैक्स म्यूजियम। निखिल मजे की बात तो सुन, ये लोकल है, भूसी डैम नहीं गए, लोकल है, और ये खुद ही भूसी डैम नहीं गया अभी तक, और हमको और ये देखो हमारे गुजरात से लोग आके भूसी डैम जा रहे हैं, और यहाँ के लोकल वाले जा रहे हैं। मुझे इतना क्या बताओ अभी बुरा लग रहा है ना, ये सब घूम के इनके साथ ऐसा लग रहा है कि रिसोर्ट में रुकता था तो वो बेटर था। ये भी जबरदस्ती आ गई है, ये भी पूरी नाइट सेट पे जबरदस्ती आ गई, कोई मतलब नहीं।
डेला में प्रेसिडेंट तो सीट मजा आ रहा है लेकिन मजा क्या मजा है इसमें पता नहीं, पूरी गर्मी हो रही है मुझे। अभी देखते हैं वैक्स कौन से वैक्स म्यूजियम में आए हैं, यश कौन से लक्की ना लक्की वैक्स म्यूजियम में आए हैं। देखते हैं अभी यहाँ पे क्या क्या है कुछ। अभी वैक्स तो म्यूजियम में देखेंगे, और भी कुछ यहाँ पे 90 हॉरर हाउस, चलो उसको कुछ एंजॉय करते हैं। लेट्स सी यहाँ पे कुछ ऐसा या इनका रेड लिस्ट है। तो अभी अपना 90 का एंट्री लकी में लकी म्यूजियम में आ चुकी है, और अभी कुछ 90 का एंट्री है यहाँ पे। अभी देखते हैं कितना मजा आने वाला है। यहाँ से ना ओके मजा आ रहा है क्या सबको? रुई 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 मजा ये तो एका आज कर रहा हूँ। और चालू करो रोबोट। आप एंटर करते हो म्यूजियम में तो आपको राइट साइड में आपको शिवाजी महाराज का दर्शन करने मिलेंगे, और लेफ्ट साइड में आपको महाराणा प्रताप इनका दर्शन मिलेगा। जैसे आप एंटर करते हो तो आपको पहले दोनों ही एंटर करना पड़ता है, उसके बाद में आपको ये जो म्यूजियम है जो स्टैचू जो वैक्स स्टैचूज बनाए गए वहाँ पर आप बिजी फोटोज विद ग्रेट इंडियन क्रिकेटर टीम। इधर देखो
अभी जस्ट वी फिनिश्ड वैक्स म्यूजियम, बहुत मस्त ऐसा मज़ा आ गया वैक्स में. एक्चुअली हमने यहाँ पे पूरा पैकेज लिया है तो अभी पूरा एक्सप्लोर करेंगे उसको. तो अभी अभी कहाँ जा रहे हैं? मिरर. अभी मिरर मेज़ में जाते हैं, देखते मिरर मेज़ में क्या है और जितना हो सके. एक्चुअली मैंने पूरा कवर किया इंस्टाग्राम के लिए, तो आप इंस्टाग्राम पर पूरा वैक्स म्यूजियम आपको बताऊँगा. इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा पूरा वैक्स म्यूजियम, तो भी छोटे छोटे शॉट लेके मैं कंबाइन करके डाली दूँगा. फिर से पहले मिरर इमेज में जाकर देखते हैं क्या वहाँ पे मज़ा आता है. लेकिन सबके साथ मज़ा आ रहा है, कुछ अलग एक्सपीरियंस नहीं तो होता नहीं है. आता तो बोल उन्होंने, लेकिन ये देखना तो कभी होता नहीं. तो अभी हम चले हैं मिनिएचर में, देखते हैं अभी क्या चीज़ है अंदर. समझो कि लाइट अभी लगाया नहीं मिनिएचर, अभी लगाएंगे. टिकट दिखाओ निखिल. बहुत ही बेस्ट ऐसा एयरपोर्ट का मिनी चेयर है यहाँ पे. एक्चुअली पूरा लेना चाहिए, बहुत ही बेस्ट. और अभी यहाँ से शायद से अपने को एक देखो देखो ये आता हुआ प्ले, देखिए प्लेन आ रहा है. सीरियसली अमेजिंग एक्सपीरियंस दिस एयरपोर्ट मिनीचर, बहुत ही अच्छा लगा. और अभी नेक्स्ट अभी है टेक ऑफ और लैंडिंग, दोनों भी देखने में मज़ा आ गया. अभी क्या है आगे? ओके ये है सिटी, है लंदन सिटी. लंदन सिटी है शायद. लंदन आ गए अभी फाइनली. हम लंदन आ चुके हैं और ट्रैफिक जाम यहाँ पे बिल्कुल नहीं है. सुना नहीं है, शॉक लगे. मस्त है, तीनों भी मस्त है ना. तीनों भी गाड़ियों की मूवमेंट देखो. हाँ गाड़ियों की मूवमेंट भी है. और ये देखो वो आ रात में रुक गई. यहाँ पे उसका स्टेशन है. यार सच में फैक्ट्री एमएस एमआईडीसी एमआईडीसी बोलो या फिर पोर्ट भी है. मुंद्रा पोर्ट है. ओके पोर्ट है क्या? हां पोर्ट है. ओके पोर्ट ये मोदी जी. निखिल का कार्गो कहां पे है? देखो निखिल अपना कार्गो किधर है पता नहीं सब. ओके तो ये पोर्ट है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. अभी आप जो ये देख रहे हो ये अपनी मेट्रो सिटी. ओके नाइस. ये तुम्हारा शिप आ गया और ये अपना माउंटेन सन शिप. तो हम चले गए अभी सी में. वाह अमेजिंग है, मस्त. ये अभी आप देख रहे हो तो ये स्टार्ट हो गए. ये भी शिप का ही है, सी का ही है. ओके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बताया. बहुत मस्त है ना. और उस साइड में वो सॉल्ट रिफाइनरी है. ये वाला सॉल्ट रिफाइनरी है ना, ये वाला. ओके ये क्या है?
मन आया तो मुझे ये कुछ कचरा भी पसंद है बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा अपना कचरा आप बहुत गंदा है। अरे कुछ खाने का उसमें बात मॉर्निंग गाइस अभी चेकअप पर हम पहुँच चुका है तो निकल ही रहे अभी यहाँ से आज यहाँ पे लेकिन तो यहाँ से एंट्रेंस है ये यहाँ से टीवी का एक राउंड होता है हमको दोनों तरफ टी वी आप दे सकते हैं। बस फाइनली हमने चक्कर देख चुका हूँ क्लब में खाने और वापस उसी ऑफ गली से निकल चुका हूँ मैं टूवर्ड्स पुणे की तरफ। बहुत ही बढ़िया रोड, आप अगर एंजॉय भी करने अगर लोनावला जा रहे हो ना तो इस साइड से भी जा सकते हो, बहुत ही बढ़िया रोड है। ट्रैफिक नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, एंजॉय करो। अगर आप मचान आपने कहीं पर सर्च किया हमको देर हो गई इसलिए हम ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए। अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे 10-15 मिनट और फिर आगे निकलेंगे।